नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह। महाराष्ट्र की उद्धव पुलिस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो दंगा करने वालों पर कितनी मेहरबान है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जब से ही बनी है, उसका काम करने का यही तरीका है कि आरोपियों को पकड़ने की बजाय वो कंप्लेन करने वालों पर ही शिकंजा कस देती है। एक मामला नहीं, हजारों मामले ऐसे हो चुके हैं। कुछ मामले हम आपको ऐसे ही गिना देते हैं। अनिल देशमुख और अनिल परब के खिलाफ जब भ्रष्टाचार का मामला खुला, तो खुलासा करने वाले परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर ही शिकंजा कस दिया गया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी भी कर दी गई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आवाज उठाने वाले 1000 पत्रकारों पर केस दर्ज कर दिया गया। पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर सवाल पूछने पर अर्णव गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को उजागर करने पर देवेंद्र फडणवीस को नोटिस और फिर उनसे पूछताछ की गई। संजय राउत के अत्याचार के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखने वाली स्वप्ना पाटकर को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया और अब नुपुर शर्मा को मिल रही रेप और मर्डर की धमकी के खिलाफ आवाज उठाने वाले अशफाक को पहले तो कट्टरपंथियों ने पीटा और उसके बाद उसे उद्धव की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले इस मुस्लिम को कितना कुछ सहना पड़ा, वो भी उनके राज में जो मुस्लिमों के हितकर बनते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम वो नेता जो देश के मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, उनका असली रंग यही है। उनके मुताबिक अगर वो नहीं चलेंगे तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसे राजनेताओं की नज़र में। पूरी खबर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में कट्टरपंथी अब उन लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जो नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। हाल में ही सब इंजीनियर छात्र साद अशफाक अंसारी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। साद ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा को समर्थन देते हुए पैगंबर मोहम्मद से जुड़े कुछ सवाल खड़े किए थे और नुपुर शर्मा को बहादुर महिला भी कहा था। इसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ उस लड़के के घर पर जा पहुंची और अंत में महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अशफाक ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि 50 साल का आदमी 6 से 9 साल की बच्ची से शादी करे, ये साफ तौर पर बाल शोषण है। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे समर्थन कर रहे हैं। क्या आप अपनी 6 साल की बेटी 50 साल के आदमी को देंगे, इस बारे में सोचिएगा। एक और इंस्टा स्टोरी में अशफाक ने लिखा था कि मैं किसी मजहब को समर्थन नहीं देता, मुझे सबसे नफरत है। मैं सिर्फ एक ऐसी दुनिया में रहने से डरता हूँ जहाँ आपको और आपके परिवार को मार दिया जाए, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बोल दिया है जिनका इंतकाल सालों पहले हो चुका है। इंजीनियरिंग छात्र ने अपील की थी कि बड़े हो जाओ यार, ऐसे मजहब को छोड़ो जो दुनिया में आतंक फैलाए और इंसान बनो, ये बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि ये सब पोस्ट करने के बाद मुझे कितनी नफरत झेलनी पड़ेगी, मैं गलत समझे जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम लोग अभी भी बच्चे हो। अशफाक के इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कट्टरपंथी की भीड़ 11 जून की रात उनके घर पर पहुंची और उन्हें घर से बाहर निकलने को कहा। लड़के ने किसी तरह भीड़ को समझाने का प्रयास किया, उसने घबराते हुए वहां पर बयान भी दिया है जो वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। वीडियो में वो बच्चा ये कहता है कि मैं चाहता तो अंदर रह सकता था, लेकिन मैं तुम लोगों से बाहर बात करने आया हूँ। उसके बाद भीड़ से ही एक व्यक्ति ये पूछता है कि अंदर तू रहता तो हम तुझे खींच कर बाहर लाते और फिर मारते। लड़के ने हाथ जोड़कर भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। अंत में उसे जबरन कलमा भी पढ़वाया गया। जब लड़के ने इसे पढ़ना शुरू किया तो व्यक्ति ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और दूसरे ने लगातार धमकी भी दी। इसके बाद 12 जून को दोबारा मुस्लिम भीड़ अशफाक के घर पहुंची और अपना प्रदर्शन किया। बाद में भिवंडी के निजामपुर पुलिस थाने ने साद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। कट्टरपंथी भीड़ ने आरोप लगाया कि साद ने पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भीड़ ने यह भी कहा कि उन्हें माफी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी घटना दोबारा घटित हुई तो कानून तो अपना काम करेगा ही, हम वो भी करेंगे जो हमें करना है। सोशल मीडिया पर लोग साद अंसारी को सपोर्ट कर रहे हैं और उद्धव सरकार की कड़ी आलोचना भी हो रही है। लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि आयशा खान जो इंडिया में 26/11 जैसे हमले को जायज ठहराते हुए ये कहती हैं कि इंडिया 26/11 जैसा हमला ही डिजर्व करता है और महाराष्ट्र की पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नुपुर शर्मा को भी उद्धव पुलिस ने समन किया हुआ है उनके बयान को लेकर। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।